जय बृहस्पति महाराज। दोस्तों, मैं पूजा आपकी दोस्ती भक्ति में शक्ति चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपको बृहस्पति महाराज की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो भक्त बृहस्पति महाराज का व्रत करता है या जो नहीं करता है, वो भी इस व्रत को सुने तो उसके घर में सभी प्रकार की विपत्तियाँ, दुख, दरिद्र, किसी भी परेशानी से वो जूझ रहा हो, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो जो भक्त भक्ति पूर्वक इसे सुनेगा, पढ़ेगा, करेगा, उसके घर में हर प्रकार की विपत्तियाँ दूर होकर एक नई रोशनी का प्रकाश होगा, एक नया सवेरा होगा। तो भक्तों, हमें अवश्य ही बृहस्पति महाराज की पूजा पाठ करनी चाहिए। व्रत ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें बृहस्पति भगवान की पूजा और उनकी कथा जरूर सुननी और करनी चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। जो भक्त करता है, उसके सभी प्रकार के दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं, उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसके घर में सुख संपत्ति आती है, सुख समृद्धि आती है, उसके घर में सुख शांति आती है। तो आइए भक्तों, आइए हम जानते हैं क्या है बृहस्पति भगवान की लीला। आइए भक्तों, अब हम आपका ध्यान कथा की ओर ले चलते हैं। आइए। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो ना ही गरीबों की दान देती थी और ना ही भगवान का पूजा करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन चले गए तो रानी राजमहल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के राजमहल में भिक्षा मांगने के लिए गए और भिक्षा मांगने लगे तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पूर्ण से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाए दे रहा है। मेरी इच्छा है कि सारा धन ये नष्ट हो जाए और फिर ना रहेगी बाँस और ना ही बजेगी बाँसुरी। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान की तो चाह सभी रखते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी की घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों को पानी पिलाओ, मुसाफिरों को धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन है, कुंवारी कन्याओं का विवाह करा सकते हो, उनका विवाह करवा दो। ऐसा करके आप कई काम जिनके करने से तुम्हें यश की प्राप्ति होगी, तुम्हें लोक परलोक मिलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो बोली, महाराज, आप मुझे कोई ऐसा उपाय समझाइए, मैं ऐसा करूं कि धन सारा नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तथास्त कह के तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोना, भट्टी चढ़ा कर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से विलुप्त हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। नष्ट हो गया तो भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। तब राजा ने रानी से बोला, हे रानी,
तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि वहाँ सभी लोग मुझे नहीं जानते, क्योंकि मैं कोई छोटा कार्य कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वहाँ वह जंगल में लकड़ियाँ काट लेते और उन्हें शहर में बेचते। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास में ही एक नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तू उसके पास जाकर कुछ ले आओ, ताकि थोड़ा सा गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन उस दिन बृहस्पतिवार व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेशा दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वो बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। ये सुनकर रानी को अपने भाग्य कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने भी सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ बोल ना सकी, इससे वह दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार व्रत कथा कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब वो मैं कथा कर रही थी, तब वो ना तो मैं उठ सकती थी और ना ही बोल सकती थी, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला। कहो, दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं? हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की अपनी बहन से सारा विस्तार पूर्वक कह सुनाया। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन की आग्रह करने से उसने अपनी दासी को अंदर भेजा, तो सचमुच अनाज का एक बड़ा घड़ा मिला। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी ने रानी से कहा, जब हमको भोजन नहीं मिलता था, तो हम व्रत ही तो कर रहे थे, इसलिए क्यों ना हम व्रत करना और कथा विधि पूछ ली जाए महारानी से, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार की व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पत के व्रत में चने की दाल और भगवान विष्णु के केले की जड़ में ही पूजा करें, तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुनें और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पत देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया, तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़शाल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से पाए,
इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हुए। चूंकि उन्होंने बृहस्पतिवार का व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में धारण करके दोनों को थाल सुंदर सजा के पीला भोजन दासी को दे के गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई। परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार से आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और जब आज भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर से आलस्य करने लगी। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, हमें भूखे को भोजन कराना चाहिए और धन शुभ कार्यों में खर्चा करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल की यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की ये बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्चा करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसकी यश फैलने लगी। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। वो अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जीवन वन में एक साधु प्रकट हुआ। वो साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मार्ग में क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हो, मैं क्या कहूँ, ये कहकर रोने लगा। तब साधु ने अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो और तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तब बृहस्पति के दिन कथा किया करो, दो पैसे के चने मुनक्के ला कर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल में लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के बाद पश्चात अपने सारे परिवार वालों और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत का प्रसाद बाँट कर अपने आप को भी प्रसाद ग्रहण करवाओ। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ये वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ियाँ बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसमें भोजन के उपरांत मैं कुछ कर सकूं। मैंने तो रात में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है सपने में। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर जान सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना इस तरह से लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा।
जिससे तुम भली भांत भोजन कर लोगे और बृहस्पति जी के पूजा की समान भी आ सकती है। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ियाँ काट कर किसी शहर में बेचने गया तो उसने उस दिन उसको अधिक पैसा मिला। राजा ने गुड़ और चना आदि लेकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब वह दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पति का व्रत भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर में राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में ये घोषणा करवा दी कि किसी मनुष्य के घर में आज भोजन नहीं बनेगा और ना ही कोई आग जलाएगा। समस्त जनता में ये भोजन करने का आयोजन मेरे घर में है। जो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह से ये घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा के आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर तक पहुंचा। इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर बुलवाया और उसे ले जाकर भोजन करा ही रहा था तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार टंगा हुआ था। और वहाँ पर देखा कि हार नहीं है। रानी ने निश्चय किया कि यह मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलवाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में रो रहा था तो दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन सा पूरे जन्म में मैंने पाप किया जो मुझे ये दुख प्राप्त हो रहे हैं। और साधु की याद आई तब वह जंगल में मिला था। उसी समय उसने तत्काल बृहस्पत साधु के रूप में प्रकट हुए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पत देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे बहुत दुख प्राप्त हुआ। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन तू कारागार में दरवाजे में 4 रुपए के चने मंगा कर, पैसे पड़े हैं उनसे चने मंगवा कर पूजा करना, तू सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पत के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही और उसी रात्र बृहस्पत जी ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, ही राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर रखा है वो निर्दोषी है, वो राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी में लटका है, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि में स्वप्न देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को सुंदर वस्त्र आभूषण देके विदा कर दिया। बृहस्पत देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर चला गया। राजा ने जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत से धर्मशाले, मंदिर आदि बने हैं। राजा ने पूछा, ये किसके बाग और धर्मशाले हैं? तब नगर के सब लोगों ने कहा, ये रानी ने सब बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और उसे गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा, दासी से कहा, हे दासी, देखो हम लोग इतनी बुरी हालत में, हमें राजा छोड़ के गए थे, हमारी हालत ये देखकर कहीं वो लौट न जाएं, इसीलिए तुम दरवाजे पर ही खड़ी हो जाओ। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी रही। राजा आए तो उन्हें साथ लिवा लाना। तब राजा ने क्रोध में करके अपनी रानी से पूछा,
ये सब धन तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तब रानी ने कहा कि ये सब धन बृहस्पतियों के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे पर चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार वो कहानी कहा करते थे। एक बार राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह से निश्चय राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के वहाँ चले गए। मार्ग में उनसे देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दा को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाई मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वो बोले, हमारा आदमी मर गया है, तुम्हें कथा सुनने को पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम कथा सुन लेते हैं। राजा ने चने की दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो वो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत कर हल जोतता हुआ मिला। राजा ने उसे देखकर भी कहा, उससे कहा, अरे भाई मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 पहर जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा कर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसके ये बात देखा तो अपनी पुत्र से सब ये हाल पूछा और बेटे की सब हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ती दौड़ती उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कहो। राजा ने कहा, बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही वह बैल खड़ा हो गया और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई को खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो ये देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसमें भोजन नहीं किया हो, वो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा है कि यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोसी हो तो उसे देख खाओ। ये कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला, उसने भोजन ना किया हो। अंत में ये एक कुम्हार के घर आया। उसे लड़का बीमार था, उसे मालूम हुआ तो उसने ये 3 रोज से किसी भोजन नहीं किया था। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कही, वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर वह लड़का ठीक हो गया और राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब मैं अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, चली जाओ, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपनी भाई से कहा, हे भाई, मैं तो चलूंगी, लेकिन मेरा कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम भी क्या करोगी?
बड़े दुखी मन से राजा ने अपने नगर लौट आया। राजा अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति जी ने सब कुछ दिया है तो वह हमें औलाद भी अवश्य दिएगा। उसी रात बृहस्पति जी ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठो, सभी सोच त्याग दो, तुम्हारी रानी गर्भ से है। राजा ने ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9 महीने बाद उसने गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब अपनी बहनी बहन आवे तो उससे सब कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। जब राजा की बहन आई तो ये शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुशी हुई। तब बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़ के तो आई हो, गधा चढ़ी नहीं आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही जैसी जिसका मन वैसे ही कामनाएं सबकी पूरी करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है तथा उनका कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और भगवान बृहस्पति उनको सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भाव से भगवान की पूजा करते हैं, वे सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा की गुणगान किए थे, ठीक उसी तरह से भगवान बृहस्पति जी ने उनके सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी थी। तो जो कोई भी भक्त ऐसी श्रद्धा से व्रत कथा करेगा, कहेगा, सुनेगा, उसकी भी बृहस्पति देव की कृपा से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसलिए पूरी कथा करने के बाद, सुनने के बाद हमें प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय में उनका मनन करते हुए बोले जयकारा बोलना चाहिए। बोलिए, बृहस्पति देव की जय, बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। तो दोस्तों, जो कोई भी भक्तगण भगवान बृहस्पति जी के व्रत करे या ना करे, कथा बृहस्पतिवार के दिन सुनेगा, सुनाएगा, करेगा, वो उसके घर में सभी प्रकार की दरिद्रता दूर हो जाएगी और उसके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा। तो दोस्तों, भगवान से रिलेटेड कथाएं जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।